अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ बहादुर पुलिस वालों को दिखाने वाले हैं जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगा दी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों बैंक हो या फिर एटीएम के बाहर लूट मार की खबरें हम आए दिन सुनते रहते हैं, जहां चोर सफाई करके बड़ी आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन हर बार ऐसा ही हो ये नामुमकिन है। दोस्तों भारत के एक शहर की इंडियन ओवरसीज ब्रांच में चोरों का पूरा ग्रुप आ घुसता है। वो चोरी को अंजाम देकर भागने ही वाला होता है कि अचानक यहां की पुलिस बाहर आकर इन्हें पकड़ने की पूरी तैयारी में होती है, और जैसे ही चोर वहां से निकलते हैं पुलिस इन्हें रंगे हाथ पकड़ लेती है। और इस कार्रवाई को देखकर वहां काफी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, जो पुलिस की कामयाबी पर इन्हें खूब अप्रिशिएट करते हैं। दोस्तों साल 2022 के जुलाई महीने में पुलिस वालों से जुड़ी एक और वीडियो भी वायरल हुई, जिसमें वायरल होने जैसा क्या था वो आप खुद ही देख लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दलदल में फंसे 54 साल के आदमी को बचाने के लिए एक पुलिस कांस्टेबल ने अपनी जान दांव पर लगा दी। दोस्तों इसे निकालते वक्त इसके एक भी गलत कदम से दोनों की जान खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन कांस्टेबल ने बड़ी बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए इस शख्स की जान बचा ली। दोस्तों यहाँ ये दो चेन स्नेचिंग चोर अपने काम को अंजाम देने का मौका तलाश कर रहे थे। ये अपना शिकार ढूंढ ही रहे होते हैं कि कोई इन चोरों के यहाँ खड़े होने की खबर पुलिस को दे देता है। दोस्तों ये दोनों एक औरत को अकेली देखकर उसकी सोने की चेन चुरा भी लेते हैं, लेकिन मौके पर ही दो पुलिस वाले इन्हें पकड़ लेते हैं। दोस्तों बच्चों को अगवा करके इन्हें बेचने जैसा जुर्म हर मुल्क में देखने को मिलता है, और अभी ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं इसमें भी ऐसा ही कुछ वाकया होने वाला था, मगर किसी पुलिस वाले की समझदारी ने ऐसा नहीं होने दिया। दोस्तों ये आदमी जो इन बच्चों के साथ गाड़ी में बैठा दिख रहा है ये असल में एक चोर था, जो बच्चों को अगवा करके कहीं ले जा रहा था, और जब पुलिस ने पूछा तो वो खुद को इनका वालिद बताने लगा। तभी एक बच्चे ने पीछे से आवाज दे दी और कहा कि दैट्स नो माय डैड। बस फिर क्या था, पुलिस वालों ने मौके पर इसे गिरफ्तार कर लिया और बच्चों को सही सलामत इनके पेरेंट्स के पास पहुंचा दिया। दोस्तों मेक्सिको में एक घर में आग लग जाती है और लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगते हैं, और तभी घर में से एक बच्चे की चीखने की आवाज आती है। जो अंदर ही फंसा होता है, और तभी एक पुलिस वाला खिड़की तोड़कर ना सिर्फ अंदर जाता है बल्कि बच्चे को भी सही सलामत वहां से बाहर निकाल लाता है। दोस्तों नॉर्मली ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही देखा जाता है कि जब कोई पुलिस वाला किसी गुंडे के इलाके में घुसकर इसे गिरफ्तार करने पहुंचता है, लेकिन कुछ अरसा पहले ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई, जो ऐसे ही किसी फिल्मी सीन की तरह लगती है, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि ये असल एक्शन सीन है और ये सीसीटीवी वीडियो गुजरात की है। दोस्तों गुजरात के अमरपुरा गाँव के पास एक ढाबे से गुजरात पुलिस ने एक खुफिया खबर मिलने पर कुछ हथियारबंद लोगों को ऐसे गिरफ्तार किया जैसे ये कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। दोस्तों पुलिस के इतने शातिर एक्ट को देखकर सोशल मीडिया पर पुलिस की खूब तारीफ की गई। दोस्तों आप YouTube पर थोड़ा भी एक्टिव रहते हैं तो आप बिहार की लिपि सिंह IPS को तो जानते ही होंगे, क्योंकि इनका स्टाइल बहुत ही अलग है जो लोगों को काफी हद तक पसंद भी आ रहा है। दोस्तों ये अपने क्विक एक्शन स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। जैसे आप इस वीडियो को ही देख लीजिए, इन्हें खबर मिली कि यहाँ के एक गाँव के कुछ घरों में शराबपोशी का कारोबार बहुत जोरों शोरों से किया जा रहा है, और ये उसी वक्त रात को ही रेड मारने पहुँच जाती हैं। और देखें इन्हें वहाँ काफी ज्यादा तादाद में शराब के बहुत सारे डब्बे मिलते हैं।
दोस्तों ये वाक्य एक बुढ़े माँ बाप का है जिनको उनके बेटा और बहू घर से धक्का मारकर निकाल देते हैं। अब ये बुढ़े माँ बाप इस उम्र में कहाँ जाएंगे, किसका सहारा लेंगे, तो ऐसे में थाने और चौकी के चक्कर काट कर परेशान हुए और फिर इन्होंने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की, जिसके बाद खुद कमिश्नर इस बूढ़ी और बूढ़े को लेकर इनके घर पहुंचे और वहां जाकर बूढ़े वालदैन से मारपीट करने के जुर्म में बेटे और बहू को गिरफ्तार किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन बूढ़े वालदैन की हिफाजत की जिम्मेदारी भी ली। दोस्तों जिस तरह से इस पुलिस कमिश्नर ने इन बूढ़े वालदैन की मदद की, इसे देखते हुए पूरे सोशल मीडिया पर कमिश्नर की खूब चर्चा हुई। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो उसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।